लोकसभा में जो कुछ भी मैंने सीखा है, माजी हमारी लीडर ऑफ ओपोजिशन होती थी, हमारी नेता वही थी 2009 में जब मैं पहली बार सांसद बना था। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी आज पहुंचे हैं और आज बता दें जिस तरीके से महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में लाजवंती झा, उनकी अध्यक्षता में आज बीजेपी में कई महिला जो है शामिल हुई और सदस्यता ग्रहण की है, कई दलों से हट के आज बीजेपी में शामिल हुए, उसको लेकर संजय जायसवाल ने कहा है कि महिलाओं का जो योगदान है बीजेपी में, हम लोग परिवार की तरह मानते हैं, भाजपा एक संगठन या एक पार्टी नहीं, भाजपा एक परिवार है, और महिलाओं का काफ़ी स्वागत किया है। और सुषमा स्वराज को लेकर उन्हें एक बड़ा बात कहा कि सुषमा स्वराज जी का आज पुरस्कार वितरण समारोह में उसको लेकर बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्हें भी पुरस्कार मिला, और सुषमा स्वराज अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आप देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने आज सुषमा स्वराज पुरस्कार जीता उन सभी को बधाई देता हूँ। सुषमा स्वराज पुरस्कार देना मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि लोकसभा में जो कुछ भी मैंने सीखा है, सुषमा जी हमारी लीडर ऑफ ओपोजिशन होती थी, हमारी नेता वही थी 2009 में जब मैं पहली बार सांसद बना था, तो और जिस तरह से वो हम पहली बार बने सांसदों को बढ़ाने का काम हमने, कैसे हम मजबूत रहे, वह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी। और उनके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने यह सम्मान समारोह किया है, तो एक मेरे लिए भी यह बहुत ही फख्र की बात है। आप सब पुरस्कार जीतने वालों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारी जो बहनें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार, हम कभी नहीं कहते हैं पार्टी, हम हमेशा कहते हैं भाजपा परिवार, और हम ही केवल नहीं कहते हैं, इस एक मामले में हमारे विरोधी दल भी यही कहते हैं, उनसे भी पूछेगा तो यही कहेगा सर ये सब भाजपा परिवार वाला सा। तो ठीक है, हम लोग की पहचान है, हम लोगों के परिवार में आप सबका स्वागत है। और साथ में मैं यह भी कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और उन्होंने जो आधी आबादी का ख्याल रखा, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। हर जगह पे सुविधाएं देना, हर जगह पर अलग से विशेष मदद करना, और खास करके बिहार के लिए तो जो जीविका बहनों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का एक वर्ष में उन्होंने जो पैकेज दिया है कि कोई भी जीविका महान स्वयं सहायता समूह इस देश में कहीं भी हो, केवल इस वर्ष उनके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो यह महिलाओं के सशक्तिकरण में इतना बड़ा कदम है जिसका जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। और मुझे यह भी कहते हुए फख्र होता है कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है, बैंक के उधारी देने में जितना अच्छा ऋण लौटाने का रिकॉर्ड हमारी बहनों का है, उतना अच्छा अगर दूसरों का भी रहता तो ये बहुत भारत को बहुत लाभ होता। लेकिन कहीं भी मैं 99% रिकवरी लोन की अगर कहीं है तो केवल महिला स्वयं सहायता समूह की, हमारी बहनों की है, जो यह बताता है कि हमारे समाज का जो अंतिम पायदान का तबका भी जो है, वहां पे अगर महिलाओं के हाथ में पैसे दिया जाए तो उसका सदुपयोग भी होता है और पैसा सरकार को लौटता भी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आपने सुना संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम महिलाओं जो आज बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की उसको धन्यवाद भी दिए हैं, और जो लोग बीजेपी में महिलाएं जो शामिल हुए उसको धन्यवाद देते हुए ये भी कहा है कि जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो महिलाओं पे खास तौर पे ध्यान देती है, और हमारी देश की और यूँ कहें बिहार की जो आबादी उसमें 58% जो है महिलाएँ हैं। और पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया है जिस तरीके से 1,00,000 करोड़ जीविका दीदी के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हुए संजय जायसवाल ने सभी महिलाओं को भी धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर पीएम मोदी काम कर रहे हैं, जीविका दीदी के लिए काम करो, और भाजपा परिवार में तमाम महिलाएँ जो आ जाई हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।